हरे राम 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 बल कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे वैसे गुरुदेव की जय। ये किसी भक्त ने प्रभुपाद से प्रश्न करते हैं, ये संसार से हम कैसे मुक्ति पाएंगे, संसार से उधार होकर के जीवन में परम शांति परम सुख हमें कैसे मिलेगा, किसने प्रश्न किया। तो उत्तर देते हैं, बोले जखन ये हमारा भगवान है सेवा करो ना, तखन ये अन्य चिंता बा भोग बुद्धि से आदि ग्रास कर। यहाँ पर प्रभुपाद उत्तर देते हैं, जब हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, फिर क्या होगा, फिर दूसरे दूसरे चिंता आकर के हमें ग्रास कर लेता है। लेकिन जब हम हर समय भगवान की भक्ति भजन करेंगे, फिर क्या होगा, कहते मन जब भगवान को स्मरण करता है, भगवान की भक्ति करते तो हम कहाँ रहते, हम गोलोक वृंदावन में रहते, भगवान का धाम में रहते। जब माया की चिंता करते हैं माया जगत में रहते हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव उदाहरण देते थे, ये मन एक भूत है। ये मन क्या है, भूत, एक भूत है, हैं? गुरुदेव उदाहरण देते थे, कोई एक व्यक्ति था जो ओझा होता है, जो भूत चुराते, उसने एक भूत मंत्र की सिद्धि की। जब सिद्धि की, भूत स्वयं प्रकट हो गया, फिर बताओ क्यों मेरे को बुलाया, देख मेरे को बुलाया तो काम देना पड़ेगा, अगर काम नहीं देगा ना तेरे को मैं खा जाऊंगा, मार जाऊंगा, मार दूंगा। इसलिए हर समय मेरे को बिजी रखना पड़ेगा, बताओ क्या चाहिए। बोले एक काम करो, जो नदी ना इस पार से उस पार एक ब्रिज बना दो, वो तो भूत है, वो घुमा के बन गया, वो तो चुटकी बजाते ही बना देता है, चुटकी बजाते ही बन गया ब्रिज, बन गया। बोले देख ब्रिज बन गया, फिर काम दे, एक काम करो इसको आप खोद दो, गया और एक मुक्का मारा, एक मुक्का मारते ही वहां बन गया, वहां बन कर फिर प्रकट हो गया। बोले देख काम, बोले कुआ बना दिया, बोले देख कितना बड़ा कुआ बन गया। बोले तालाब खोद दो, और एक बार गया और प्यार में एक बार मारते ही वो बन गया तालाब। बोले तालाब बन गया, बोले दे काम दे, बोले ये खेती को जोत दो, बात चुटकी बजाते खेती को जोत दिया, फिर आ गया। और जितने बड़े से बड़े काम देता है ना, वो मिनट में करके फिर प्रकट हो जाता है। बोले काम दे, बोले ये भगवान जितने बड़े से बड़े काम देगी तो चुटकी बजाते फिर होता है, अभी कितना बड़ा बड़ा काम दो, अभी परेशान बल खा जाऊंगा। फिर उसने गया किसी संतों के पास में, बोले बाबा ऐसे ऐसे है, वो बोलता है काम दो, जितना बड़ा काम दो देता हूँ, वो चुटकी बजाते कर देता है, बताओ मेरे को, वो कहता है काम नहीं देगा तो फिर खा जाऊंगा, बताओ क्या करनी चाहिए। साधु तो हर तरह का काम करना जानते हैं, बोले काम चाहता है ना, बोले हाँ। बोले उसको बोलना एक बांस लंबा बांस आश्चर्य से बस छील दे, एकदम मुलायम कर दे और काट दे, बोले तेल लग अच्छे तरह से लगा, नीचे से ऊपर जाए और ऊपर से नीचे लगा दे काम तो से। बोले समय मिलेगा तो फिर बुला लूंगा, काम में लगा दूंगा। बोले बड़ा आसान काम, सोच में पड़ गया था उसको काम भी तो क्या काम। गुरुदेव ये कथा सुनाते थे, कहते थे जो मैंने है ना ये भोग है, इसको कोई काम देना पड़ेगा, अगर काम नहीं देगा तो खा जाएगा। ये खा जाएगा मतलब क्या है, गुरुदेव कहते थे मन का काम क्या, चिंता, मन का काम है चिंता। अगर उसको भगवान की चिंता में, ठाकुर की सेवा में, भगवत स्मरण में अगर लगा कर रखेंगे, कभी जो मन है हमें एक दिन भगवान तक ले जाएगा, ये ठाकुर तक हम ले जाएंगे। अगर हम ये मन को भजन में नहीं लगाएंगे, भक्ति में नहीं लगाएंगे, तो फिर तो ये भोग है, फिर तो ये मन विषय की चिंता करेगा, तो फिर बंधन दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, हर समय क्या करो, ये मन को कुछ काम दे दो। इसलिए
हमारी गोस्वामी लोग कैसे भजन करते थे, बोले संख्या पूर्व नाम दान नदी काला बसान कृतो निद्रा आहार विहार का दिवितो चात्यंत दीन चजो राधा कृष्ण गुण स्मृति न मधुरिमान सन्महितो वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्री जीव गोपाल। इसलिए हमारे गोस्वामी लोग क्या करते थे, कैसे भजन करते थे, नहीं रोज कोई एक गिलास, कोई दो दो लाख, कोई तीन तीन लाख हरिनाम करते थे। एक लाख हरिनाम करेंगे तो पाँच छः सात घंटा उसमें जाएगा, उसमें उसमें समय चल चला गया। फिर संख्या पूर्वक नाम, फिर गान रोज नियम करके कीर्तन करते थे। जैसे हम लोग भजन गाते हैं ना, नरोत्तम दास ठाकुर का, भक्ति विनोद ठाकुर का, लोचन दास ठाकुर का, इनका बड़े सुंदर प्रेमानंद ठाकुर का बड़ा सुंदर सुंदर भजन गाए हैं। ठाकुर के चरण में बड़े सुंदर सुंदर प्रार्थना किए हैं, कहते वो प्रार्थना को नियम करके है नाम गान नति भी, उसके बाद में प्रणाम। प्रणाम कैसे, जैसे हम सब जय ध्वनि देते हैं ना, है जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व गिरधारी राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय। फिर नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सद श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज की जय। ऐसे जैसे हम लोग खड़े खड़े जय देते ना, हमारे गोस्वामी लोग कैसे करते, गुरुदेव का नाम लेकर लेट जाते थे नीचे, लेट करके फिर खड़े होकर और एक बार फिर गुरुदेव परम गुरुदेव का नाम लेकर के फिर लेट जाते थे, फिर खड़े होते थे। ऐसे दिन में 1000 बार, 1000 बार है। इस में बात सारे संतों की प्रणाम हो गया, सारे धाम की जयकार करना हो गया, बात शरीर का एक्सरसाइज भी हो गया, शरीर की एक्सरसाइज कभी फिर बीमार कभी नहीं। 1000 बार कोई दंडवत करके खड़ा होगा, फिर शरीर बीमार नहीं पड़ेगा, शरीर एकदम सुस्त रहेगा शरीर है। इसमें दोनों काम हो जाती है। इसलिए संख्या पूर्वक नाम दान नती काल अवसान कृतो है, ऐसे काल को समय को ऐसे बिता देते थे, ऐसे भजन करते थे। इसलिए कहते हर समय क्या करो, बस आज इतना समय आप देखोगे भगवान का नाम कथा कीर्तन भजन करते हो ना, मन शांति रहता है, मन शांति। जैसे यहाँ पर आते हो सवेरे से आकर के आज दर्शन किया, कथा सुने, तो जितने समय उसमें बिताए ना, मन प्रभु की चिंतन किया है ना, फिर मन को इधर उधर चिंता करने का समय नहीं, और मन करना इसमें शांत रहता है। लेकिन यहाँ से केवल गेट से बाहर निकलो, घर में जाने पर ये दिक्कत है, ये होना वाला, सास को साथ में, बहू को साथ में, बेटे को साथ में, नाती को साथ में, दुनिया को साथ में, यहाँ निकल गई ना बीच में सब दुनियादारी संसार की सारी बात आती है। जब तक प्रभु को चिंतन करते हो तब तक मन में शांति सुख मन में भरी रहती है। इसलिए यहाँ कहते हैं तखन ही अन्य चिंता व भोग वृत्ति ऐसे हमारी गति ग्रास करेंगे। जब प्रभु का चिंतन कथा नहीं करेंगे भले हमारे हृदय में भोग वृत्ति आकर के है, संसार की गंदी चीजें आकर छठ हमें ग्रास करता है। करुणा भय श्री कृष्ण एक विपद है ते आमादिक के रक्षा करे वाले जन्म सर्वताय प्रस्तुत, किंतु हमारा तार ऊपर संपूर्ण निर्भर न कर ले कि कर रक्षा पाको। यहाँ कह रहे हैं भगवान कौन है, ये हमारे पिता है, हमारी परम पिता है, माता है। हर पिता माता देखना हर समय क्या चाहते हैं, बच्चे का कल्याण, बच्चे का मंगल चाहते हैं, मेरे बेटा अच्छा रहे, सुख रहे, शांति में रहे, सुख में रहे। हर समय भगवान हमारे कल्याण करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। इसलिए जैव धर्म में श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, जब ये जीव सृष्टि हुई ठाकुर ने उसको पूछा, बताओ क्या करोगे, मेरे भक्त भक्ति करोगे ना माया में जाओगे। लेकिन बहुत कम जो जीव है भगवान के प्रति आकृष्ट होकर के ये माया जगत में नहीं आए, ठाकुर को सेवा में चले गए। लेकिन हम जैसे दुर्भागा जीव क्या किए, हम भगवान की सेवा नहीं चाहे, ठाकुर को भजन नहीं चाहे,
हम स्वतंत्र होकर के ये भोग करने के लिए हमारा हाँ? माया से भोग करने के हमारे अंदर में इच्छा हो और भगवान का देख लेता माया को देख ले। जब ये जीव भगवान से विमुख होकर के संसार में आया फिर तो संसार में तरह तरह का दुख कष्ट भोगना पड़ा। एक जन्म नहीं कहते 84 जन्म में हम भटक रहे दुख पा रहे। तो भक्तिमन ठाकुर कहते जब जी भगवान भूल करके संसार में चल आए दुख कष्ट पाया कि जो भगवान उसको पीछे पीछे ठाकुर जी पूछो पीछे पीछे भाग रहे ठाकुर जी है। जैसे अगर बच्चा पिता की बहुत अथा संपत्ति बच्चा पिता माता की बात नहीं सुना है घर से निकल गया निकल जाएगा दुख वो करेगा। जैसे पिता माता चाहते भैया बच्चा किसी तरह से मेरे पास में आ जाए अपना बेटा है और ये सारी संपत्ति में वो करे और संसार में सुख में रहे। उसी तरह भगवान भी चाहते हैं जीव हमारी सेवा भक्ति कर और शांति सुख में रहे। भगवान हमारे पीछे पीछे बोले बेटा एक बार तू मेरे तरफ में झांक कर देख तो मेरे तरफ में देखना ही नहीं चाह रहे तो माया की तरफ में जा रहे एक बार घूम करके देख झांक करके देख। इसलिए ठाकुर जी हमारे पीछे पीछे ठाकुर जी भाग रहे हैं। लेकिन जो हम हैं अपना कल्याण मंगल चाहते ही नहीं भगवान की भक्ति करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन कहते भगवान हर समय प्रस्तुत है। कहते ना ठाकुर जी की तरफ में एक कदम बढ़ाओ ठाकुर जी 10 कदम बढ़ाते है ना 10 कदम बढ़ाते। लेकिन पहले एक कदम तो बढ़ा करके देख ठाकुर का प्रति एक कदम बढ़ा करके देख तो। लेकिन हम बढ़ाने नहीं चाहते तो ठाकुर जी कैसे हमें पकड़ेंगे हाँ ठाकुर जी हमें कैसे ठाकुर जी हमें उधार कैसे करेंगे। इसलिए हर समय भगवान प्रस्तुत रहते हैं जी एक बार मेरे तरफ में झांक करके देखे और हाथ पकड़ो और मैं अपना पास में ले आऊ। इसलिए जब हम भगवान के ऊपर संपूर्ण रूप में निर्भर करते हैं भगवान हमारी रक्षा कर लेते हैं। कृष्ण जी गुरु रूप पे रक्षा करे थाके कृष्ण कृपा मुक्ति मिले गुरुदेव। कदी गुरुदेव कौन है हैं कदी गुरुदेव कौन है बोले कृष्ण स्वयं। कहते ना संसार दावा नली तो प्राणाय कारुण्य घन घन तम प्राप्त कल्याण गुणान वश्य वंदे गुरु श्री चरणा। बोले गुरुदेव कौन है नहीं है कहते कृष्ण ही जीव को उद्धार करने के लिए कृष्ण ही का जो कृपा है वही ये गुरु बन करके हमारे सामने आते हैं है? गुरु बन करके आते हैं बोले क्यों बोले जीव को ठाकुर के पास में ले जाने के लिए गुरु ही आते हैं। इसलिए हमें क्या करने चाहिए कहते ये कृष्ण का प्रतिनिधि है कहते श्री गुरुदेव जीव के संसार है तो उद्धार करे कृष्ण ने निकटे नी जावाजन हे जगदास है से सब भगवान सज्जन से ही गुरुदेव कृपा प्रसाद ग्रहण करे तारा ही संसार है तो उद्धार की परासात धाम जते पारे। इसलिए कहते गुरुदेव ठाकुर को द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति जो व्यक्ति गुरुदेव का आदेश को पालन करते हैं गुरुदेव की आदेश को पालन करते हैं फिर तो वही व्यक्ति क्या करता है फिर ठाकुर जी के पास में फिर वो चले जाते हैं अपना घर में बैक टू गॉड है अपना घर में वापस चलो है अपना घर में वापस चलो। इसलिए क्या करनी चाहिए मेरे गुरुदेव का आदेश को पालना करनी चाहिए है गुरुदेव का आदेश पालना करनी चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज ने गुरु जी का आदेश पालना किया प्रहलाद महाराज ने आदेश पालना किया सब जिन जिनों ने गुरु जी के आदेश पालन किया वो सबके सब किया होंगे संसार से उद्धार होकर के ठाकुर जी के पास में चले जानी चाहिए। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कैसे हमारी उद्धार होगी संसार से जब गुरु जी के उपदेश को हम जीवन में अपनाएंगे पास संसार से दुख कष्ट से पार होकर के फिर ठाकुर जी के पास में चले जाएंगे। इसलिए गुरु कभी भी और एक चीज है कहते गुरु क्या हमें उपदेश देते हैं गुरु कभी नहीं बोलते हैं मेरा सेवा कर मेरा नाम कर मेरा पूजा कर। गुरु क्या कहते हैं ठाकुर जी की सेवा भगवान का नाम। जैसे जगत में बहुत सारे गुरु हैं जैसे जय गुरुदेव आश्रम नाम सुने होंगे अब देखे हो दिल्ली
मथुरा वृंदावन जाते समय बहुत बड़ा मंदिर है, उसका नाम जय गुरुदेव। हम मंदिर में जाकर देखोगे ना, ठाकुर पाकुर कुछ नहीं, उसमें कोई ठाकुर पाकुर कुछ नहीं, मंदिर है खाली, गुरुदेव का पटल लगा कर नहीं। गुरु का काम क्या है? भगवान की, जैसे ध्रुव जी, नारद जी ध्रुव जी से मिले, जब ध्रुव जी से मिले उन्होंने कभी बताया मेरा काम जब था? उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने किसका नाम दिया? ओम नमः भगवते भगवान। जैसे वाल्मीकि नारद जी मिले, उसको कौन सा नाम दिए, क्या नाम दिए? बोले बोलो राम। राम बोलो राम। वो कभी नहीं बोले तो मेरा नाम जप लो। जैसे नारद जी व्यास देव जी से मिले, बोले दुख का कारण क्या है, तेरे को साथी क्यों नहीं मिल रहा है? बोले इसलिए नहीं मिल रहा है जथा भा, इसलिए जथा धर्म दयाचार था मुनि वर्ज्यानु कीर्तित न तथा वासुदेव स्व महिमा जनि वर्णित। जो तुमने ये संसार के धर्म को कितने बढ़ा चढ़ा करके बताया ना, वैसे तुमने भगवान कृष्ण की कथा नहीं सुनाया, कृष्ण की गुण महिमा, कृष्ण के भक्तों की चरित्र को नहीं सुनाया। इसलिए अगर शांति बनना चाहते हो क्या करो, भगवान की महिमा को गाओ, भगवान का नाम लो, भगवान की सेवा करो, जब तुमको शांति मिलेगा। इसलिए गुरु का काम है ये बिचौलिया है। ये क्या काम? बिचौलिया। बिचौलिया मतलब क्या? जैसे एक लड़का लड़की की शादी होगी, लड़की लड़का लड़की को बिचौलिया होता है ना, है उसको लड़का लड़की को संबंध करके शादी करा देता है। अगर बिचौलिया खुद अगर बर बन जाए, मैं ही शादी कर दूंगी, लड़की गड़बड़ी है, हाँ मैं गड़बड़ी। इसलिए गुरु का काम है हर समय भगवान की भक्ति की उपदेश दे, भगवान की भजन के बारे में बताए। अगर ऐसे गुरु जी की शरण में अगर चले गए, बस हमारी बेड़ा पार हो जाएगी। अभी किसी भक्त ने प्रभुपाद को प्रश्न किया, बोले प्रभु प्रभुपाद हमारे जीवन में मंगल कैसे होगा? जीवन में हमारी पहला प्रश्न किया था, हमारे संसार से उधार कैसे होगा? किसने प्रश्न किया प्रभुपाद हमारी मंगल कैसे होगा, सब कृपा करके बताओ। सब तो मंगल ही चाहते हैं ना, जीवन में तो भाई अमंगल चाहते ही नहीं, चाहते अपना जीवन मंगलमय हो, सुखमय, शांतिमय हो। तो प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण अमर नित्य प्रभु, हमी कृष्ण मुख्य दास। यही ज्ञान व अनुभूति यदि भाग्य क्रम एक बार ऐसे जाए, ताहले समस्त अमंगल पूरे छाई रह जावे, एवं जावतीय मंगल कराय भय थाके। कहते मंगल कैसे होगा, हमारे उद्धार कैसे होगा, हाँ मंगल कैसे होगा? फिर मंगल तभी होगा अगर हमें एक बार हमारे हृदय में ये भावना आ जाए। क्या भावना आए? हम कृष्ण का नित्य दास है। इसलिए महाप्रभु को सनातन गोस्वामी ने दो प्रश्न किया था। क्या प्रश्न दो किया था बोलो? देखो तुम्हारे चाची तुम सामने बैठते हो, कुछ बोल नहीं पाए, क्या बोलो? इसलिए उनका दो प्रश्न किया है। पहला प्रश्न है मैं कौन? सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए, जब तक ये चीज को हम नहीं पहचान सके ना, तब तक हमारे कल्याण नहीं होगा। जैसे आप किसी लिखाई पढ़ाई किया, किसी ऑफिस में काम करने के लिए गए हो, देखना सबसे पहले आपको ये पूछा जाएगा तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है। तुम्हारी तुम सीए किया ना, डॉक्टर किया है ना, इंजीनियर किया है, फिर जैसे तुमने क्वालिफिकेशन पर तुम्हें आपको नौकरी भी वैसे मिलेगी, जैसे क्वालिफिकेशन अनुरूप नौकरी मिलेगी है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को पता लगाने से मैं कौन हूँ, फिर उसको बाद में फिर तुम्हें काम मिले है। इसलिए इनका पहला प्रश्न में कौन हूँ, पहले अपने आप को पहचान, फिर हम कौन है? जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, हम भगवान की नित्य नित्य मतलब हर समय है, हम कृष्ण का ही नित्य दास है। जब हम कृष्ण की नित्य दास है, फिर हमारी कर्तव्य क्या है? कृष्ण सेवा करना।
उनकी भक्ति करना, उनके नाम करना। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, एक बार अगर ये चीज हमारे हृदय में बैठ गया, हम कौन है, हम और किसी का हम नित्य दास नहीं, केवल ठाकुर का ही हम नित्य दास है। फिर दूसरा प्रश्न क्या है कि जगत में कोई भी दुख को घर में निमंत्रण नहीं है। कोई बुलाते हैं घर में दुख आए, बोले कोई नहीं बुलाते, लेकिन ये बिना बुलाए दुख घर में आ जाता है। बोले क्यों आता है, हम तो बुलाते नहीं, क्यों आते हैं, कारण क्या? बोले कारण है कृष्ण भूले से जीव अनादि वैरम, कहते सारे दुख का एक ही कारण है, हमने भगवान को भूल गए। अतएव माया तारे देह संसार को, जो तू भगवान की सेवा भूल गया, अपने आप को भूल गया, जा माया के संसार में जा, संसार में जा करके फिर माया की डंडा था, माया की डंडा तो था हा? जो माया डंडा क्यों देती है, कारण है जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है, उसको क्या करते हैं, जेल में ठोस देते हैं। बोले जेल में क्यों ठोस देते हैं, कारण है जब वहां पर दंड मिलेगा, खाने को ठीक ठीक सही नहीं मिलेगा, खाना है खाना सही नहीं मिलेगी और वहां पर कष्ट करना पड़ेगा। बोले भैया और चोरी नहीं करेंगे, और जीवन में चोरी नहीं करेंगे, अभी तो बढ़िया सही रास्ता पर चलेंगे। इसलिए भगवान की बहिरंग शक्ति माया ने यह संसार को भी कारागर बनाया है। संसार में जो यहाँ आकर के तरह तरह का दुख कष्ट भोग करते हैं, फिर जीव कहता प्रभु और हमें ये संसार नहीं चाहिए, हमें और ये संसार नहीं चाहिए, हमें तो आपके चरण की हमें सेवा चाहिए, आपके चरण की सेवा चाहिए। इसलिए प्रभुपाद यहाँ कहते हैं तब भी हमारी मंगल होगा। कब मंगल होगा, जब अपने आप को पहचान ले हम भगवान का ही नित्य दास है, और हमारी हमारे कर्तव्य क्या है, भगवान की सेवा करना ही हमारी एकमात्र कर्तव्य। अगर किसी भाग्य से अगर जीव को ये भावना हो जाए ना, क्या होगा, कर जीवन का जितने तुम्हारी दुख कष्ट है सारे दुख कष्ट जल करके रात बन जाएगी, जल करके रात बन जाएगी, बास जीवन में सुखी सुखी हो जाओ, जीवन में सुखी सुखी हो जाओगे। इनका तीसरा प्रश्न है, देखो प्रभुपाद हर बात को एक ही उत्तर नहीं दे रहे, अलग 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 दृष्टि से उत्तर दे रहे हैं। इसलिए ये ग्रंथ का उपदेश को अगर कोई जीवन में अपना लेना, क्या होगा, सीधा भगवान के पास में चले जाएगा, फिर संसार में उसको दुख कष्ट नहीं मिलेगा अगर उपदेश को, क्योंकि ये राधा रानी की आदेश से ही प्रभुपाद इस जगत में आए हैं, हम जैसे बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए। इसलिए प्रश्न है मंगल रास्ता की, मंगल रास्ता की मतलब है वास्तव रूप में मंगल का रास्ता क्या है, कौन सा रास्ता पर चलने पर जीवन में कभी अमंगल नहीं होगा, जीवन में हमारी मंगल मंगल होगा। कहते संपत्ति विपत्ति भगवान सेनापति एक बार मंगल है, और कृष्ण निश्चय रक्षा करवे, ए शरणागति छड़े दिए निज रक्षा करता शास्त्र के लिए सर्वनाश। इसलिए कहते मंगल का रास्ता क्या है, मंगल का रास्ता है भले ही जीवन में संपत्ति आए, भले ही जगत में विपत्ति आए, क्या करनी चाहिए, कभी भगवान को मत भूला, भगवान को कभी भूलने नहीं चाहिए, ये चीज को गांठ बांध कर रहे। इसलिए ब्रह्मा जी कहते बोले प्रभु भगवान का एक नाम है अजीत, क्या नाम है, अजीत, अजीत, अजीत मतलब क्या है, जिनको जितना कठिन है, जिनको पाना कठिन है, लेकिन क्या प्रश्न धैर्य होता है, क्यों जब तक जीव भगवान को प्राप्त नहीं करेगा ना तब दुख कष्ट पाएगा, भगवान को पा लिया तो। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन तमेव शरणं गच्छ सर्व भवेन भारत तत् प्रसादात् राम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वत। हे अर्जुन अगर प्रभु के चरण में शरण में अगर कोई चला गया, अगर उसकी कृपा हो गया ना, जीवन में परम शांति एवं जीवन में परम स्थान मिलेगा, जहाँ जाने से जीव कभी संसार में वापस नहीं आएगा हैं? लेकिन क्या करना, शरणागति, उसका चरण में शरणागति जाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं
भगवान का नाम तो अजीत ही है, जिनको पढ़ना कठिन जितना, लेकिन फिर प्रश्न करके मिलेंगे नहीं बैठा जी? हाँ मिलेंगे। बोले कैसे मिलेंगे? बोले ज्ञान प्रयास मुदुपास्य नमंत एव जीवन्ति सन्मुख रीतम भवद्य वार्ताम स्थाने स्थितम श्रुतिगतम तन्वांग मानो भी जे प्रायो सो अजीत जीत अभी स्थल क्या। वो प्राय करके तो अजीते हैं, प्राय करके उनको पता कठिन है, लेकिन मिलेगा कैसे? बोले जितने हमारे सारे अभिमान हैं, जितने हमारे सारे अभिमान को पहले दूर कर, हम ये जानते हैं, ये जानता हूँ, ये जानता हूँ, सारे अभिमान को पहले तुम दूर करो हैं। और ज्ञान है प्रयास, ज्ञान का जो प्रयास को छोड़ दो, ज्ञान प्रयास कैसे छोड़ते? जब तक ज्ञान नहीं होगा भगवान भक्ति कैसे करेंगे हैं? बोले सन्मुख रीतम भगवती वार्ता, बोले एक ही काम करो, गुरु जी वैष्णव का के मुखारविंद से कृष्ण कथा रूपी मंदा इनकी जो गंगा बहती उसमें स्नान करते रहो, उसमें हर समय क्या करो, उसमें गोता लगाते रहो। जब भगवान की कथा सुनते रहोगे अपने आप को ज्ञान हो जाए, सब ज्ञान हो गया तुम लोग को, कथा सुनते सुनते सारे हमारी ज्ञान अपने आप हो जाएगा, अलग कोई ज्ञान अर्जन करने का जरूरत नहीं। जैसे हमारे भक्तिवेदन नारायण गोस्वामी बस जो कथा सुने ना अपने आप कल्याण, बड़े बड़े पंडित हो गए उनकी कृपा से, तो पारस पत्थर है जिसको स्पर्श कराए ना उसको लोहे को भी उन्होंने क्या कर दिया, लोहे को सोने बना दिया है, सबको सोने बना दिया गुरुदेव, केवल जो कथा केवल सुने, केवल कथा सुने। इसलिए क्या कर सन्मुख रीतम भवदीय वार्ता, क्या करनी चाहिए? भक्तों के मुखारविंद से भवदीय, भवदीय मतलब दो कथा सुननी चाहिए, कितना कथा सुननी चाहिए क्या है? कहते एक तो भगवान की कथा और एक भक्तों की कथा है। अब देखना कहीं भी भगवान की कथा सुना जरूर भक्तों की कथा है, और किसी भक्तों का कथा सुना तो भगवान की कथा है। इसलिए जो भागवत है, भागवत क्या है, भागवत में क्या है? कहते भागवत में जिसमें भक्त और भगवान की दोनों का ही कथा, जिसमें दो कथा, एक ध्रुव प्रहलाद है नारद जी कथा, जब भक्तों की कथा आते भगवान तो अपने आप आ जाते हैं, भक्त करते हैं क्या भगवान की भक्ति करते हैं, और भक्तों को छोड़ करके भगवान नहीं और भगवान को छोड़ करके भक्त नहीं है, दोनों युगपत एक साथ में। इसलिए क्या करो, बोले भवदीय वार्ताम, भक्त और भगवान की कथा सुनो है। बोले कथा कैसे सुने? बोले स्थाने स्थिता, बोले अपना जगह पर रह करके, बोले अपना जगह पर रह करके मतलब क्या है? बोले भगवान ने हमें जिस स्थिति में रखे, हम कभी कहते ना थोड़ा तो भगवान की भक्ति करो भजन करो, कोई बोलता है देखो अभी समय नहीं आया है, हैं अभी बेटा को शादी देना, बेटियों को शादी देना, दुकान वकान घर करना, जब ये सब काम खत्म हो जाएगा ना, सारी काम हमारी है निपट जाएगा, फिर तो भगवान की भक्ति कर देखो। बोले काम कभी नहीं निपटेगा, खुद निपटेगा, अभी तक ये काम निपटा है नहीं, बोले खुद निपट जाओगे लेकिन तुम्हारे तत्काल काम नहीं निपटेगा। इसलिए कहते स्थाने स्थिता, स्थाने स्थिता मतलब भगवान अभी जिसी अवस्था में रखे हैं, इसलिए हमारे एक संत कहते हैं जिस स्थिति में रहने पर हमारे कल्याण होगा ठाकुर जी हमें उसी स्थिति में रखे, जिस स्थिति में रहने पर हमारे मंगल है ना ठाकुर जी हमें उसी स्थिति में ही रखे। अभी जो अवस्था है क्या समझो, जीवन का सबसे बढ़िया अवस्था यही है। अगर आगे अगर बढ़िया अवस्था चाहते हो क्या करो, अपना चेष्टा से नहीं कर सकते हो, भगवान की भक्ति करोगे अपने आप बढ़िया बन जाओगे। इसलिए कृष्ण क्या कहते हैं, जो मेरे भजन करते हैं ना, जो मेरे अनन्य रूप में मेरे जो चिंता करते हैं उसके लिए मैं खुद करता हूँ, क्या करता हूँ, घर में जो चीज नहीं सर पर रख करके पहुंचाऊंगा, और घर में जो चीज है मैं स्वयं रखवाली करता हूँ। इसलिए आप भगवान की भक्ति करो अपने आप जीवन तुम्हारी बढ़िया बन जाएगा। अगर तुम भगवान की भक्ति नहीं करोगे सोचोगे जीवन में बढ़िया स्थिति आ जाए, भैया कभी आ ही नहीं सकते। इसलिए करते हो तुम करने हमारा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। इसलिए कहते हैं स्थाने स्थिता। हाँ देखो उसका दूसरा अर्थ कहते हैं हमें कहाँ रहकर भजन करनी चाहिए, बोले भक्तों की शरण में रहकर, कहाँ रहकर के
भक्तों की शरण में रहकर भजन करो। वो प्रभुपाद ये हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जाता इधर उधर घूमो मत, आज उधर जाएंगे कल उधर जाएंगे कल उधर जाएंगे कल उधर जाएंगे, ज्यादा हैं ज्यादा इधर उधर मत भटको, हैं भक्तों की शरण में गुरु जी की शरण में अनुगत्य में रहकर क्या करो, स्थाने स्थिता श्रुति गता अपना कानों में क्या करो, भगवान की तन वाम मनोवी काय मन और भाग्य से क्या करो, भगवान की कथा सुनो। बोले कथा तो कानों से सुनते हैं, किधर से सुनते हैं, कानों से, लेकिन यहाँ पर काय मन और भाग्य तीनों से कथा सुनो। कहते शरीर से कथा सुनो, बोले शरीर से कथा नहीं सुनते, शरीर तो कान से सुनते हैं। इसका मतलब है जब कथा सुनने के लिए आओ जहाँ पर ये कथा हो रही है, पहले कथा को प्रणाम करो, कथा सुनने वालों को प्रणाम करो, ठाकुर जी को प्रणाम करो, हैं भक्तों को सुनाने वाले सबको प्रणाम करो, उस स्थान को प्रणाम करो। बोले क्यों, जिस स्थान में कथा होती है वो स्थान अत्यंत पवित्र स्थान है, इसलिए काय मन मन से कथा सुनो। अगर मन से नहीं सुनोगे, जैसे शरीर यहाँ पर अगर मन अगर और कहीं हो, अगर तुम्हारे मन और कहीं हो कथा सुनाई ना, बोले क्या कथा सुना, अरे मेरा मन तो और कहीं चला गया, शरीर यहीं पर है, लेकिन मन अगर कहीं पर हो अगर कथा क्या सुना, अरे मेरा मन तो और कहीं चला गया, इसलिए काय मन और वाक्य, बोले वाक्य से कथा कैसे सुनेंगे, बोले जो कथा सुना ऐसे नहीं कथा सुन लिया दूसरे को बुलाने, जो सुने हो वो कथा जाकर के दूसरों को सुनाया करो, अड़ोसी पड़ोसी को भी सुना, कौन कौन सुनाते हैं, हाँ इसलिए अपना अड़ोसी पड़ोसी को सुनाओ, भगवान की भक्त सबको भगवान की, जैसे कहीं बढ़िया गोल गप्पे मिल रहा है बढ़िया, एक बार खा लिया फिर क्या करोगे, अरे हमको जगह पर जाओ, बढ़िया गोल गप्पे मिलता है, बढ़िया कहीं परठा मिलता है, हैं बढ़िया कहीं परठा अगर खाए कोई मीठा खाए, अगर खाए तो क्या बोलता हो, भैया हमको जगह पर जाओ बहुत बढ़िया खाना मिलता है, बोलते कि नहीं। उसी तरह कहते हैं अगर कोई बढ़िया चीज को अगर हम आस्वादन करते हैं दूसरा को भी बोलो, भैया बड़ा आनंद है भगवान की भक्त, भैया तुम भी भगवान का नाम लो, तुम भी भक्ति कर, तुम भी आनंद में, तुम भी खुश में रहोगे, इसलिए केवल सुनना नहीं दूसरों को भी सुनाया करो, तन मान मन भी अगर ऐसे करोगे ना, तो जो प्राय करके जो अजीत है मतलब जिनको पाना कठिन है वो भी वर वशीभूत होते हैं, वो भी तुम्हारी वशीभूत हो जाएंगे। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं मंगल का रास्ता क्या, तो यही मंगल का रास्ता है, खुद भी भजन करो दूसरों को भजन कराओ, ठाकुर जी जो स्थिति में रहे रखे उसी स्थिति में रहो, आनंद में रहते हुए क्या करो, बोला हरि कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद कहते हैं ठाकुर का शरण में चले जाओ, संपूर्ण रूप में भगवान को पर में निर्भर करो, न तो जन्म जन्मांतर दुख हो करना पड़ेगा, हाँ भगवान का चरण में जो आश्रय ग्रहण करते हैं ठाकुर जी उसको जरूर रक्षा करते हैं, भगवान भक्त वत्सल है जो ठाकुर जी के शरण में गए ना, इसलिए भगवान राम कह रहे हैं, देखो कितना बड़ा ठाकुर जी प्रतिज्ञा लिया, कहते सकृति एवं प्रपन्न, एक बार अगर कोई बोल दे ठाकुर जी मैं तेरा और तू मेरे हो, लेकिन दिल से ऐसे नहीं ऊपर से, ठाकुर सब कुछ तुम्हारे, लेकिन चाबी काठी हमारे हाथ, सब कुछ तो तेरा है लेकिन चाबी काठी अपना हाथ में है, ऐसे नहीं है, सचमुच से हृदय से अगर बोल दे ठाकुर तू मेरा और मैं तेरा, भगवान खुद कहते हैं अभयम सर्वदा तस्मयी ददामि यतत प्रथमम्, ये बड़ी प्रत है हर समय में इसको अभय प्रदान करता, क्यों वो मेरे शरणा वो मेरी शरणागत, जैसे तुम्हारे घर में छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा तुम्हारे घर में है कि नहीं, किस घर में छोटे बच्चे, सब घर में जैसे घर में बच्चा है, घर में छोटे से बच्चे वो खाने के लिए कोई चिंता नहीं करता, कहाँ सोऊंगा उसके लिए भी चिंता नहीं करता, वो दिन भर मस्ती से खेलता रहता है, मस्ती से खेलता रहता है, लेकिन
उसको पिता माता क्या कहते हैं? अगर किसी कारण से बच्चा सो गया, ज्यादा दिन भर खेलते खेलते सो गया ना, आप देखना मैया जब तक उसको खाना नहीं खिलाएगी ना, तब तक उसको चैन नहीं मिलेगा। उसको सो गया ना, अगर बढ़िया कोई चीज बनाएगा तो उसको है हिला हिला करके उठा उठा कर, जब तक उसको खाना नहीं खिलाएगी ना, तब तक मैया खाएगी नहीं है। क्यों? वो पिता माता की शरणागत है, वो पिता माता की शरणागत है, मेरे माँ है, मेरे पिता है। इसलिए उसी तरह जब हम ठाकुर जी के चरण में चले जाएंगे, शरण में दिन भर उसका नाम कीर्तन करेंगे ना, ठाकुर जब तक हम खाना नहीं खिलाएंगे, ठाकुर कभी खाना नहीं खाएंगे। अगर किसी माँ को बोल तो बच्चा नहीं खाए, किसी माँ का तू खा ले ना, तू खा ले, भैया खाएगी खाना नहीं, जब तक बच्चे को नहीं खिलाएगी तब तक माँ खाना नहीं खाएगी। उसी तरह जब हम ठाकुर जी की शरण में जाएंगे, ठाकुर जी जब तक हमको नहीं खिलाएंगे, ठाकुर जी ये भोजन करेंगे नहीं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।